प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने पाठ 3 के पेज नंबर 41 के अंतर्गत समभुज त्रिभुज की परिभाषा और उसके परिमाप के बारे में जानेंगे। समभुज त्रिभुज किसे कहते हैं? समभुज के अर्थ से ही स्पष्ट हो जाता है कि भुजाएं समान। त्रिभुज मतलब तीन भुजा वाला चित्र। समभुज त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे समभुज त्रिभुज कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम समबाहु त्रिभुज भी है। समभुज त्रिभुज, जैसा कि यहाँ पे एक चित्र आपके सामने दिया हुआ है, पेज नंबर 41 में एक त्रिभुज बना हुआ है जिसकी भुजा की माप लिखी हुई है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाएं इसकी बराबर है। इसका परिमाप निकालने के लिए हम, परिमाप का अर्थ होता है घेरा, उसका तीनों भुजाओं का योगफल, कुल भुजाओं का योगफल कितना है, 4 4 4 मिलकर के 12 सेंटीमीटर हो जाता है। तो यह हो गया, 3 × 4 करेंगे तो भी 12 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार समभुज त्रिभुज का परिमाप निकालने का एक सूत्र हमारे सामने आ जाता है, 3 × 1 भुजा की लंबाई। अगर हमें समभुज त्रिभुज की एक भुजा की माप मालूम हो तो हम उसका परिमाप निकाल सकते हैं। कैसे? तो उसकी भुजा की माप को 3 से गुना करके हम उसका परिमाप निकाल सकते हैं। उसी से संबंधित एक तालिका हमें दी गई है जिसमें लिखा हुआ है समभुज त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दी गई है, उसका परिमाप हमें निकालना है। भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप कितना होगा? तो भुजा की लंबाई 3 × भुजा की लंबाई, जो सूत्र है उसके आधार पर 3 × भुजा की लंबाई 5, तो 3 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका परिमाप। दूसरे वाले में हमारे सामने भुजा की माप के सामने एक बॉक्स बना हुआ है, यानी ये हमें निकालना है और उसका परिमाप दिया गया है। तो हमें उसके परिमाप से उसकी समभुज त्रिभुज के भुजा की माप निकालनी है कि लंबाई निकालनी है कितनी होगी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक और सूत्र दे देता हूँ। समभुज त्रिभुज की भुजा की माप निकालने के लिए उसके परिमाप को 3 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा समभुज त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई। जैसा कि यहाँ पे हमें परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो इसका भुजा, समभुज त्रिभुज की भुजा की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 को 3 से भाग दे देंगे, आएगा 10 सेंटीमीटर। तो निकल जाएगा इसके भुजा की लंबाई। इसके अलावा इसमें बाकी और दो और प्रश्न हैं जिसको आप लोग इसी फॉर्मूला, दोनों सूत्र की सहायता से आप लोग इसको निकालेंगे।